यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 28। यशायाह अध्याय 28। हाय एप्रेम के मतवालों के घमंड के मुगुट पर हाय, उनके सुंदर भूषण रूपी मुरझाने वाले फूल पर जो दाख मधु के पियकड़ों की अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है। देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी मनुष्य है जो उस ओले की वर्षा व रोग उपचारने वाली आंधी व उमड़ने वाली प्रचंड धारा की नाई महाबल से उसको भूमि पर गिरा देगा। प्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पाव से लताड़ा जाएगा और उनका सुंदर भूषण रूपी मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है वह उस अंजीर के समान होगा जो ग्रीष्मकाल से पहले पके और देखने वाला देखते समय हाथ में लेते ही उसे निगल जाए। उस समय अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सेनाओं का यहोवा आप ही सुंदर मुकुट और प्रतापी अधिकारी ठहरेगा और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देता है उनके लिए वह वीरता ठहरेगा। परंतु ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा के द्वार लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उन्हीं को पी लिया। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते हैं। वे दर्शन पाते हुए भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं क्योंकि सब भोजन आसन वमन और मैल से भरा है क्योंकि शुद्ध स्थान नहीं बचा। वह किसको ज्ञान सिखाए और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाए? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है। थोड़ा यहां थोड़ा वहां, वह तो इन लोगों से तुतलाती बोली और अन्य भाषा के द्वारा बातें करेगा। उसने उनसे कहा तो था कि विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो और चैन इसी से मिलेगा, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। परंतु यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है। थोड़ा थोड़ा यहां थोड़ा थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरकर घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। इस कारण हे ठट्टा करने वालों, इस यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। इसलिए कि तुमने कहा है कि हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है, इस कारण विपत्ति जब बाढ़ की नाई बढ़ाए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है कि देखो, मैंने सियोन में नेव का एक पत्थर रखा है जो परखा हुआ पत्थर और कोने का अनमोल और अति दृढ़ और नेव के योग्य पत्थर है, और जो कोई विश्वास लाता है वह स्थिर रहेगा, और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहूल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ रूपी शरण स्थान ओले से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूबेगा, और जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ की नाई बढ़ाए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे, जब जब वह बढ़ आए तब तब वह तुमको ले जाएगी। वह तो प्रतिदिन वरन रात दिन बढ़ा करेगी। तब इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा। बिछोना तो टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए तंग है, क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह पराजित नाम पर्वत पर खड़ा हुआ था और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था वैसा ही वह अब क्रोध दिखाएगा, जिससे वह अपना ऐसा काम करे जो अचंभित काम है और वह कार्य करे जो अनोखा है। तो अब तुम ठट्टा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, क्योंकि मैंने
सेनाओं के यहोवा प्रभु से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जो तने वाला बीज बोने के लिए लगातार बोता रहता है, क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगाता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौफ को नहीं छितराता और जीरे को नहीं बखेरता और गेहूं को पांति पांति करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर चलाया नहीं जाता, परंतु सौफ छड़ी से और जीरा सोठे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न पर दाए जला जाता है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता और न गाड़ी के पहिए और न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है।